नवादा में जहर खाकर जान गंवाने वाले केदारलाल गुप्ता समेत परिवार के कुल 6 सदस्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि सभी का अंतिम संस्कार नवादा नगर के बिहारी घाट पर खुरी नदी के तट पर किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य और नाते रिश्तेदार मौजूद थे। इस कुल के एक बच्चे चिराग अमित गुप्ता ने माँ पिता भाई और 3 बहनों को एक साथ मुखाग्नि दी। इसके पहले सभी के एक साथ शव यात्रा निकली तो जानने और देखने वालों की आंखें नम हो गई। परिवार के लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद पुत्र अमित नवादा पहुंचा था। क्या जानकारी मिली तुमको? अब मुझे कॉल किया था अपने भाई को, तो वो बोला था कि भैया ऐसा कोई बात नहीं पापा, लेकिन हमेशा बोलते रहते थे कि इतना इतना कर्जा हो गया 10 से 12 लाख रुपया से ऊपर लगभग में, और सब लोग धमकी देता है। और जहाँ तक कि हमें भी पता चला है कि उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई बहन को उठा कर ले जाएंगे, धमकी देता था, गाली गलौज दुकान पे आके सामान उमान सब लेता था। कौन था वो लोग जो बोलता था उठा के भाई बहन ले? उसमें से सिर्फ एक ही का जानते हैं जिसका नाम है मनीष सिंह, उसको सब पुकारू करता है टाइगर के नाम से। कहाँ घर है? न्यू एरिया पताल स्टोरी लगता है। हाँ, न्यू एरिया में जो सिनेमा हॉल है ना उसके जस्ट पीछे ही घर है उसका। परिवार से बात हुई थी कुछ? मेरा सिर्फ हमेशा बात होती थी, मैं पापा को ही बोलता था कि अब टॉर्चर कर रहा है तो अब मरने से कुछ तो होगा नहीं, आप लोग यहाँ ये मिलके करेंगे, लेकिन उनको यही अच्छा लगा। अंतिम बात कब हुई थी? अंतिम बात मेरे भाई से सिर्फ हुआ था, मैं सिर्फ इतना ही पूछा था सब ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है। मरते मरते मेरी बहन भी एक बार बोली अमित भैया सब खत्म हो गया, सब लोग सुसाइड कर लिया, अब मजबूरी में कर लिया, ऐसा ऐसा काम ही किया सब लोग, आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या डिमांड है तुम्हारा? डिमांड यही है कि जो भी है उसको पकड़िए, बस मेरा तो यही सजा होना चाहिए। जो अगर गलत है तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, जो गलत है सो गलत है। क्या नाम हुआ? अमित गुप्ता। बता दें कि सूदखोरों से तंग आकर केदारलाल गुप्ता ने अपनी पत्नी पुत्र बेटियों के साथ घर से बाहर शुभ कृषि फार्म इलाके में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, शेष 4 की मौत इलाज के दौरान हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि मृतक केदारलाल कई लोगों से सूद ब्याज पर काफी पैसे ले रखे थे, 10-12 लाख रुपए का कर्ज था। रोज झगड़ा और झंझट से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मृतक केदारलाल का एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन लोगों के नाम का जिक्र है जिससे वो परेशान थे। उन नामों में एरिया के मनीष सिंह, विकास सिंह, विजय सिंह, जांचघर डॉक्टर पंकज सिन्हा, टुनटुन सिंह खटाल संचालक और रंजीत सिंह का नाम है। पुलिस इन सभी को थाने बुलाकर पूछताछ कर रही है। एक व्यक्ति टुनटुन सिंह को हिरासत में लिया गया, 2 को पूछताछ के बाद मुक्त कर दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए नवादा से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।